सभी लोग मांस महाराजा कहे जाने वाले सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म रावण सुरा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रवि तेजा की ये फिल्म काफी बड़ी और पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। अभी कुछ ही देर पहले इस फिल्म का एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इस छोटे से क्लिप के अंदर फिल्म में रवि तेजा के लुक को रिवील किया गया है। सभी लोगों को रवि तेजा का ये लुक काफी पसंद आ रहा है और सभी लोग इस ग्लिम्स को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इस ग्लिम्स के साथ साथ फिल्म की रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। बहुत ही जल्द हमें ये बड़े पर्दे पर देखने को मिल जाएगी। पर फिल्म की रिलीज डेट से पहले हम फिल्म के कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। इस फिल्म में हमें साउथ के कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म में हमें मेन रोल में रवि तेजा देखने को मिलेंगे और फीमेल रोल में मेघा आकाश और अनु इमैनुएल देखने को मिलेंगे। फिल्म में हमें विलन के रोल में साउथ के एक और बड़े एक्टर सुशांत देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक सुधीर वर्मा के डायरेक्शन में बनाया जाएगा। इससे पहले भी सुधीर वर्मा साउथ की कई बड़ी बड़ी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। इनकी फिल्मों को लोगों से काफी अच्छी रिस्पॉन्स मिलते हैं और ज्यादातर फिल्में सुपर हिट रहती है, इसलिए इस फिल्म से लोगों को एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही है। रावण सुरा फिल्म को पहले 2022 में रिलीज किया जा रहा था, पर किन्हीं कारणों की वजह से फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई। पर अब हमें ये फिल्म बहुत ही जल्द बड़े पर्दे पर देखने को मिल जाएगी। फिल्म की शूटिंग अभी जारी है जिसे जल्द ही खत्म कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये फिल्म हमें 7 अप्रैल 2023 को सिनेमा हॉल में देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। दूसरा, इस फिल्म में हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, इसलिए फिल्म का बड़ा बजट होना तो लाजमी है। आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट लगभग 60-70 करोड़ के बीच का है। वही बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो इस फिल्म में हमें रवि तेजा एक वकील के रोल में देखने को मिलने वाले हैं, जो किसी औरत को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। इन सब के साथ साथ इस फिल्म में हमें रवि तेजा जबरदस्त एक्शन करते हुए भी दिखाई देने वाले हैं, इसीलिए सभी लोग इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिल्म की ग्लिम्स को लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे पता लग रहा है कि सभी लोग इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा रिस्पॉन्स फिल्म को मिलता है तो फिल्म का हिट हो जाता है और रवि तेजा की ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज की जाएगी, जिससे ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएगी और ज्यादा से ज्यादा कमाई कर पाएगी। दोस्तों के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।